राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों दो दिवसीय ग्वालियर दौरे पर हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में सिंधिया ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की खामियां गिनाई बल्कि उन्होंने कांग्रेस को एक भ्रष्ट और नौटंकी करने वाली पार्टी तक बता दिया। खबरों के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ग्वालियर दौरे के दौरान कांग्रेस के बारे में सवाल पूछे जाने पर कहा कि जिस कांग्रेस ने प्रदेश के किसी भी नागरिक के लिए कुछ ना किया हो, जिस कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ हो, वो कांग्रेस अब नाटक नौटंकी के लिए महापंचायत की बात कर रही है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों ग्वालियर में किसानों के समर्थन में आयोजित धरने के दौरान मुरैना में 20 जनवरी को महापंचायत करने की घोषणा की है। इस महापंचायत में कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ दिग्विजय भी शामिल होंगे।